दिलजीत दोसांझ की मच अवेटेड फिल्म चमकीला का ट्रेलर आज रिलीज हो चुका है। फिल्म चमकीला पंजाबी सिंगर अमर सिंह चमकीला की लाइफ पर बेस्ड है। दिलजीत दोसांझ जहां फिल्म में अमर सिंह चमकीला की भूमिका निभा रहे हैं, तो वहीं परिणीति चोपड़ा उनकी पत्नी अमरजोत की भूमिका में है। फिल्म का टीजर पहले ही रिलीज हो चुका था और अब रिलीज हुए ट्रेलर में दर्शकों से काफी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। ट्रेलर में दिलजीत दोसांझ के लुक और अभिनय की तारीफ हो रही है। फिल्म चमकीला का निर्देशन इम्तियाज अली ने किया है और ये फिल्म इम्तियाज अली की पहली पंजाबी फिल्म है। फिल्म चमकीला का ट्रेलर दर्शकों के बीच में काफी वाहवाही बटोर रहा है। ट्रेलर को देखकर पता लग रहा है कि फिल्म की कहानी बहुत ही इमोशनल होने वाली है और इस फिल्म से सबसे ज्यादा रिलेट सिर्फ सिंगर्स करने वाले हैं। आपको बता दें कि फिल्म का प्रीमियर नेटफ्लिक्स पर 12 अप्रैल को होने वाला है। बॉलीवुड खिलाड़ी अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ स्टारर फिल्म बड़े मियां छोटे मियां लगातार सुर्खियों में है। फिल्म के टीजर और गाने सामने के आने के बाद से ही दर्शक इस फिल्म को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड नजर आ रहे थे। दर्शकों का एक्साइटमेंट देखते हुए फिल्म के मेकर्स ने आज इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज कर दिया है। जी हां, फिल्म का ट्रेलर बेहद ही दिलचस्प है। ट्रेलर में हमेशा की तरह ही अक्षय और टाइगर अपने जबरदस्त एक्शन और पावर पैक्ड मूव्स के साथ दुश्मनों की धुलाई करते नजर आ रहे हैं और उनके फैंस को टाइगर और अक्षय का यह अवतार बेहद ही पसंद आ रहा है। फिल्म की बात करें तो फिल्म में अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ, अलाया एफ और मानुषी छिल्लर के अलावा पृथ्वीराज सुकुमारन, सोनाक्षी सिन्हा भी इम्पोर्टेंट रोल निभाते नजर आने वाले हैं। आपको बता दें कि फिल्म आगामी ईद पर रिलीज होने जा रही है और इस फिल्म की शूटिंग कई शहरों में हुई है और फिल्म में कई दमदार एक्शन देखने को मिलने वाला है। बड़े मियां छोटे मियां की खास बात यह है कि पहली बार अक्षय और टाइगर एक साथ स्क्रीन पर एक्शन करते नजर आएंगे, जिसके चलते दोनों के ही फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं और फिल्म को लेकर पूरा पूरा बज बना हुआ है। क्रू अपनी रिलीज से सिर्फ एक हफ्ता दूर है और इसे देखने के लिए दर्शकों के बीच एक्साइटमेंट एक अलग ही लेवल पर है। फिल्म के ट्रेलर ने एक झलक देते हुए बताया कि स्क्रीन पर किस तरह का एंटरटेनमेंट देखने को मिलने वाला है। सिर्फ इतना ही नहीं, इस फैमिली एंटरटेनर के सभी गाने फिल्म के रिलीज के लिए एक सही टोन सेट कर रहे हैं। ऐसे में अब एक्साइटमेंट को और बढ़ाने के लिए प्रोड्यूसर रिया कपूर ने एक BTS वीडियो शेयर किया है। इसमें सेट पर कास्ट द्वारा की जाने वाली मस्ती की झलक देखने को मिल रही है। प्रोड्यूसर रिया कपूर ने सोशल मीडिया पर BTS वीडियो शेयर किया है, जिसमें देखा जा सकता है कि कैसे क्रू के सेट पर टीम के साथ चिट चैट करते हुए करीना कपूर खान और कृति सैनन पिज्जा पार्टी को एंजॉय कर रहे हैं और साथ ही उन्होंने कैप्शन में भी लिखा है, लोग कहते हैं हीरोइनें खाना नहीं खाती। इससे बड़े स्क्रीन पर फिल्म देखने की एक्साइटमेंट सच में कई गुना तक बढ़ गई है। जरा सोचिए, अगर फिल्म की लीडिंग लेडीज कैमरे के पीछे इतनी मस्ती कर रही हैं, तो उनका ऑन स्क्रीन बॉन्ड कितना मजेदार होने वाला है। कॉमेडियन कपिल शर्मा एक बार फिर से दर्शकों के सामने हाजिर होने जा रहे हैं। नेटफ्लिक्स पर 30 मार्च से वो द ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा शो लेकर आप सभी के सामने हाजिर होंगे, लेकिन उसके पहले इसके मजेदार प्रोमो सामने आ रहे हैं और ऐसा ही एक नया प्रोमो सामने आया है, जिसमें शो के पहले मेहमान बनकर पहुंचे हैं रणबीर कपूर, नीतू कपूर और रिद्धिमा कपूर सहानी। इस दौरान एक्टर ने कई सारे खुलासे भी किए हैं और बताया कि कैसे वो अपनी माँ की ज्वेलरी अपनी गर्लफ्रेंड्स को दिया करते थे। जी हाँ, हाल ही में जारी प्रोमो में रणबीर, नीतू और रिद्धिमा बाकी टीम के साथ मस्ती करते नजर आ रहे हैं, जिसमें कपिल, सुनील ग्रोवर, कीकू शारदा और कृष्णा अभिषेक शामिल हैं।
और जैसे ही रणवीर अपनी माँ और बहन के साथ पहले एपिसोड का रिबन काटते हैं और बातचीत शुरू करने से पहले सभी लोग डांस करते नजर आए हैं। जब कपिल ने बताया कि क्या रणबीर ने रिद्धिमा के कपड़े अपनी गर्लफ्रेंड्स को गिफ्ट में दिए थे, तो एक्टर ने फौरन ये भी बता दिया कि उन्होंने अपनी माँ के गहने तक अपनी गर्लफ्रेंड्स को दिए हैं। रिद्धिमा ने आगे कहा कि हमारी पीढ़ी ने सबसे ज्यादा मजा किया है। आगे रणबीर कपूर से फिर अर्चना पूरन सिंह ने पूछा कि क्या उन्होंने राहा के कभी डायपर बदले हैं, तो एक्टर बताते हैं कि वो बर्प स्पेशलिस्ट है, मतलब बेटी को बर्प दिलाने में उनको महारत हासिल है। फिर नीतू ने बताया कि जब राहा रूम में एंटर करती है तो रणबीर का चेहरा देखने लायक होता है। रणबीर भी बोलते हैं कि वो राहा को इस शो में लाने के लिए और इंतजार बिल्कुल भी नहीं कर सकते। आपको बता दें कि द ग्रेट इंडियन कपिल शो 30 मार्च से ऑडियंस के बीच में ठहाकों का तड़का लगाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। स्टार प्लस के शानदार टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है के अपकमिंग एपिसोड में होने वाला है बहुत सारा ड्रामा। ये रिश्ता क्या कहलाता है कि अपकमिंग एपिसोड में देखने को मिलेगा कि अरमान और अभीरा अपने कमरे में आ जाते हैं और वहां पर अभीरा अरमान के एंग्री लुक पर हंसने लगती है और तब अरमान भी अभीरा को छेड़ने की कोशिश करता है और ये पल दोनों के लिए एक रोमांटिक मोमेंट बन जाता है और ये सब कुछ रूही दूर से खड़े होकर देख रही होती है। इस दौरान अभीरा को अरमान के गले की चोट भी नजर आ जाती है और फिर अभीरा उस पर दवा लगाती है। दूसरी तरफ संजय फूफा सा घर आते हैं और वो काजल को पोदार हाउस से आने में साफ मना कर देते हैं। इस मौके पर दादी सा अरमान को बुलाकर संजय के पैर पकड़कर माफी मंगवाती हैं और अरमान ऐसा कर भी देता है। शो में आगे दिखाया जाएगा कि अरमान के माफी मांगते ही फूफा सा घर के अंदर आ जाते हैं, लेकिन अरमान उन्हें बैठने नहीं देता। वो उन्हें अबीरा से माफी मांगने के लिए कहता है। अरमान बोलता है, मुझे इस घर में सिखाया गया है कि सभी छोटों बड़ों की गलती होती है तो तुरंत माफी मांग लेनी चाहिए। आपने मेरी पत्नी की बेइज्जती की है तो आपको भी उससे माफी मांगनी पड़ेगी। संजय फूफा सा अभीरा से माफी मांगने के लिए मना कर देते हैं और तभी अरमान बोलता है कि भूलिए मत, इस घर में आपको इज्जत बुआ सा की वजह से ही मिलती है और अगली बार से आप भी मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। वही ये सब देख के शो में आगे दिखाया जाएगा कि अरमान का बर्ताव देखकर दादी सा काफी भड़क जाएंगी और अरमान को जोरू का गुलाम बोल देंगी और कहेंगे कि तुम्हें अभीरा के आगे कुछ भी नजर नहीं आता है, यहाँ पति तो क्या सास भी इसी की तरह बन गई है। इस तमाशे के बाद अरमान अकेला बैठ जाता है और तो विद्या कर उसे समझाती है। टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है से जुड़े और इंटरेस्टिंग अपडेट्स पाने के लिए स्टे ट्यून टू मायापुरी कर। बॉलीवुड के कई फेमस चेहरे लोकसभा चुनाव से पहले पार्टियां ज्वाइन कर रहे हैं। जहां कंगना रनौत को बीजेपी की ओर से टिकट मिला है, वहीं अब इस कड़ी में महाराष्ट्र से भी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हां, कपूर खानदान के दो बड़े चेहरे राजनीति में एंट्री कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि करिश्मा कपूर और उनकी बहन करीना कपूर जल्द ही एक नाथ शिंदे वाली शिवसेना में शामिल हो सकती हैं और वो चुनाव भी लड़ सकती हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, अपने जमाने के सुपरस्टार रहे गोविंदा भी एक नाथ शिंदे वाली शिवसेना में शामिल होंगे और इन तीनों को लोकसभा चुनाव में लड़ाया भी जा सकता है। गोविंदा के साथ साथ करीना कपूर और करिश्मा कपूर को एक नाथ शिंदे वाली शिवसेना में प्रत्याशी बनाया जा सकता है। बता दें कि गोविंदा पहले भी कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ चुके हैं और सांसद भी रह चुके हैं। अगर ऐसा दोबारा होता है तो महाराष्ट्र में एक नाथ शिंदे की शिवसेना के लिए ये एक बड़ी बात साबित हो सकती है। आपको ये भी बता दें कि कपूर खानदान का राजनीति से पुराना नाता रहा है। करीना कपूर खान के ससुर सैफ अली खान के पिता मंसूर अली खान पटौदी लोकसभा सीट से सांसद रह चुके हैं और ऐसे में ये देखना दिलचस्प होने वाला है कि क्या करीना कपूर और करिश्मा कपूर वाकई में राजनीति में कदम रख सकती हैं या ये सिर्फ एक अफवाह ही साबित होने वाली है।